वर्क फ्रॉम होम नहीं है, वर्क फ्रॉम होम नहीं है, नहीं नहीं ऑफिस मध्ये नहीं गेले, नहीं नहीं ऑफिस मध्ये नहीं गेले का म्हटलं तर ऑफिस मध्ये आहे मी, ऑफिस मध्ये आहे मी। और देती सब बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग, बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और ये रम्माडे जी भी अपने ही इस बहस में थे ना पहले गुप्ता जी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2016 बिल्कुल। वो राजेश जी आए हैं, तो राजेश जी आए हैं, तो राजेश जी हाँ जी सर आए हुए हैं, हाँ जी सर आए हुए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बॉस। तबीयत कैसा है माकर? तबीयत कैसा है माकर? माकर तो ठीक है, माकर तो ठीक है। हाँ बॉस, अभी डॉक्टर थोड़ा बात करता है, अभी डॉक्टर थोड़ा बात करता है, अच्छा कम है लेकिन फिर भी थोड़ा बेटर है, लेकिन फिर भी थोड़ा बेटर होगा के लिए क्या करना होगा। अच्छा 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 जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाए, जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाए। आइए 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, रूपसी देखते हैं दानापुर में, देखते हैं दानापुर में, रूपसी नेटवर्किंग में है, रूपसी नेटवर्किंग में है। अच्छा ओके ओके, मुकेश कुमार भी हुआ है, मुकेश कुमार भी हुआ है। हेलो बच्चा, हेलो बच्चा, जी आ गए हैं क्या चौपन वाले? चौपन वाले आ गए सर, आ गए सर। चलिए ठीक है, हम तो 8:30 बजे जुड़ जाते हैं, 8:30 बजे जुड़ जाते हैं। अच्छी बात, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। और तो हाल चाल बढ़िया, और तो हाल चाल बढ़िया, सब ठीक ठाक। बोल सर, खुश आ गए हो? गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते चौधरी साहब, मेरी स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल सर, दिख रही है सर। हेलो बच्चा जी बाबू, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते नमस्ते, बोलिए। अच्छी दिख रही है सर, दूसरे मीटिंग में भूल के बैठ खोल के बैठा था, मिल ही नहीं रहा मुझको उसको। अच्छा ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है? फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। लगभग समय 5-7 मिनट जा चुका है, लूजिंग टाइम। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। हमारे भट्टा जी साहब किधर गए?
बच्चा जी बाबू बच्चा चौथा सेशन एक घंटे का है, 9 बजे से लेके 10 बजे, 9 बज चुके हैं और 10 बजाना है मुझको, 9 hours to 10 hours। तो आज की जो टॉपिक्स होंगे, कुछ कुछ रिवीजन होगा, लास्ट की कुछ पढ़ाई है, कुछ लोगों के कंफ्यूजन वगैरह थे, कुछ डाउट्स थे, उनको भी क्लियर करूंगा, WDM एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगा और फिर फाइनली लास्ट के 10-15 मिनट में एक क्विज भी करूंगा, छोटा सा एक क्विज करूंगा। आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपको फटाफट रैपिड राउंड में आंसर देना है। कल की डाउट्स में आप लोगों ने पूछा था कि साहब ये कोहरेंट कौन क्या होता है, कोहरेंट पूछा था ना किसी ने, पंक्ति सर कोहरेंट का। हाँ हाँ, तो कोहरेंट के लिए देखिए मैं डिक्शनरी से लेकर के आया हूँ, एक साथ जुड़कर रहने की, मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत अच्छी है, जरा देख लीजिए कैसे लिखता हूँ मैं, एक साथ जुड़कर रहने की अवस्था, दिस इज व्हाट द मीनिंग इज। कोहरेंट होने से जो जितनी भी वेवलेंथ हमारी निकल रही है, परहैप्स एक ही वेव की वेवलेंथ निकलेगी सबकी सब जो है, एक साथ जुड़ के रहने से जो है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ कोहरेंट इज। इसमें से और कुछ पूछना है तो पूछिए। कोहरेंट को मैं इस ढंग से भी समझा सकता हूं, ये देखिए ये एक वेव बनी, ये मेरी दूसरी, इसी के साथ अगर कोई वेव बनेगी, अगर वो दूसरी किसी फेज में बनती है, ये ऐसे फेज में बनेगी, फिर कोई जो है ऐसे फेज में बनेगी, तो इस ढंग से क्या होगा, जो इसका पूरा जो सम होगा ना, इसका जो व्हाट यू से इज एल्जेब्रिक सम होगा, वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्लस माइनस हो जाएगा, इंटेंसिटी ज्यादा नहीं रहेगी। अगर सबके सब मिलकर के एक ही साथ अगर आएंगे, एवरीवन कम्स इन द सेम टाइम, तो क्या होगा, इसकी आउटपुट बहुत हाई हो जाएगी, इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी। इसीलिए जो ऑप्टिकल सोर्सेज हैं उनको बोला जाता है कि उनको कोहरेंट होना चाहिए। एलईडी की प्रॉपर्टी नहीं है कोहरेंट होने की, परंतु लेजर में कोहरेंट होने की प्रॉपर्टी है। दूसरा, किसी ने वो जो है बैंडविड्थ का फॉर्मूला में कुछ हमको कंफ्यूजन पूछा था, तो मैं जरा उनके फॉर्मूले पर आ जाता हूं। बहुत समय लग गया। ये देखिए, कल मैंने आपको राइज टाइम का बतलाया था, राइज टाइम में मैंने जो स्लाइड दिखाई थी उसको जरा मॉडिफाई कर दिए, कल की जो स्लाइड थी वो यही थी, 70% टी सिस्टम को याद रखिएगा, ये टी सिस्टम है। सिस्टम का मतलब होता है रिसीवर, ट्रांसमीटर और फाइबर दोनों को मिला करके सिस्टम होता है। इंडिविजुअली ट्रांसमीटर की राइज टाइम है, रिसीवर की राइज टाइम है, फाइबर की राइज टाइम है, ये तीनों मिला करके जो राइज टाइम है ये टी सिस्टम है। टी सिस्टम क्या बोलता है, ये शुड बी 70% लेस फॉर ए NRZ बिट पीरियड। NRZ क्या होता है, यूनिपोलर कोडिंग होती है। इस यूनिपोलर कोडिंग के लिए कल मैंने कुछ सवाल कराए थे आपको, कुछ वी हैड वर्कड आउट सम न्यूमेरिकल, उसमें किसी ने पूछा था साहब ये जो है आप जो है बार बार इसको 0.35 क्यों कर रहे हैं, ये ही वाज आस्किंग सर ये 0.35 कहां से आया, ये 0.35 कैसे कर रहे हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, फाइंड द फाइबर राइज टाइम, फाइबर की जो राइज टाइम है उसको निकालते वक्त ये फॉर्मूला है
ये 0.35, ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला आया इस जगह से, राइज टाइम ऑफ द इंटेंसिटी। हमारी जो फाइबर के ऊपर जो मॉड्यूलेशन हो रही है उससे बोलते हैं इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन। इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन का जो है राइज टाइम, ये बतलाया गया है कि इट शुड बी 0.35 अपॉन बैंडविड्थ, 0.35 अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, अगर इसी इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ निकालने को बोले तब क्या हो जाएगा? 0.35 अपॉन राइज टाइम। तो इसी फॉर्मूले से उसने क्या किया था उस जगह पर, वो ये इसको यूज किया था 0.35 अपॉन बैंडविड्थ। ये देखिए बैंडविड्थ है ना 120 × 10⁻⁶, इट कम्स टू बी 2.9 माइक्रोसेकंड्स। तो ये क्वेश्चन थी जो कल किसी ने पूछी थी। इज इट क्लियर नाउ? ओके सर। हमको देखिए राइज टाइम में तीन चीजों की जरूरत है, ट्रांसमीटर की राइज टाइम, रिसीवर की राइज टाइम और फाइबर की राइज टाइम। ठीक है, ये चौथी हमको जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड दिस। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है टी सिस्टम का है T1 TR का स्क्वायर, टी फाइबर का स्क्वायर, टी रिसीवर का स्क्वायर, सबको स्क्वायर कर दीजिए और सबकी अंडर रूट निकाल लीजिए। ये इस सवाल के करने के क्वेश्चन में हमने यही किया था, कल किसी को ये डाउट हुआ था, आज ये बात क्लियर हो गई है। जब कभी फाइबर का निकालें तो 0.35 अपॉन बैंडविड्थ कर दें तो आपको राइज टाइम मिल जाएगा, 0.35 अपॉन राइज टाइम कर देंगे तो आपको बैंडविड्थ मिल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि साहब ये डेड जोन में क्या होता है? ये देखिए डेड जोन जो है, आप जैसे ये लॉन्च करते हैं, दिस इज योर लॉन्च पैड, ये आपकी फाइबर की लॉन्च पैड है, यहां से आपने लॉन्च की, लॉन्च होने से ये आ गया, तो ये मेरी जो है ये डेड जोन दिख रही है, दिस इज योर डेड जोन, ये आपकी डेड जोन दिख रही है। ये डेड जोन को मैंने क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा इसको जरा? एनी वन ऑफ यू प्लीज रीड इट व्हाट आई हैव रिटन फॉर डेड जोन। DZ इज ब्लाइंडनेस टू डेड जोन डिटेल्स। DZ जो है डेड जोन इज blindness to details zone, details zone DZ is blindness to details, that means यहां की जितनी भी details अगर आएगी, इस fiber की जो भी detail है यहां से यहां तक के बीच में, वो क्या हो जाएगी? वो blind हो जाएगा, आप देख नहीं सकते। OTDR is blind to see in between this distance, so why it is happening, ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि एक मिनट आया मैं, ये जो टाइम है देखिए, ये आपकी जो यही डेड जोन दिख रही है ना, वही की डेड जोन, सेम डेड जोन यही दिख रही है वहां पर भी। व्हाट इज दिस? ये आपकी आपकी जो एक्स एक्सिस है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलिब्रेटेड इन डिस्टेंस। ये एक्स एक्सिस जो है डिस्टेंस है, तो ये डेड जोन जो है मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस के फॉर्म में, बट है तो बेसिकली ये टाइम ना, जब ये फ्रेजनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इतने टाइम के लिए वो क्या कर रहा है, मशीन को ब्लाइंड कर दे रहा है। मशीन इज गेटिंग ब्लाइंड फॉर दिस अमाउंट ऑफ टाइम। इस जगह ब्लाइंड हो जाने से क्या हो रहा है, आपको जितने भी डिटेल हैं वो क्या है, आपको दिखेंगे नहीं, इट वॉन्ट बी सीन। बात क्लियर हुई? एक और बार बोलूं, सर इसकी वैल्यू सर क्या होगी टाइम की? ये टाइम तो टाइम होगा ना, सेकंड्स में होगा, इसको जो है आपने सेकंड्स में ही किया हुआ है, बट उसकी डेड जोन सर, डेड जोन की टाइमिंग क्या रहेगी, कितना मतलब नैनो सेकंड जोन की टाइम? देखो टाइम को हम एक्स एक्सिस में टाइम नहीं दिखा रहा, पर इसीलिए लिख रहा हूं ना मैं, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। हमको डिस्टेंस ही बतलाता है ये, हमको टाइम नहीं बतलाता, बट परोक्ष रूप से क्या है वो टाइम को बतलाता है। That means ये कुछ अमाउंट ऑफ टाइम है जिसने फ्रेजनल रिफ्लेक्शन ने इसको ब्लॉक कर दिया है। आपने देखिए बचपन में पटाखे छोड़े होंगे ना दिवाली के दिन में, एक हरा वाला जो बड़ा बॉम्ब आता है, एटम बॉम्ब आता है, और एक छोटी वाली जो रेड बॉम्ब आती है, दोनों को आपने कभी बदमाशी भी की होगी, दोनों की विक को एक साथ धागे में बांध के बस्ट किया होगा। अगर आपने दोनों बॉम्ब को अगर एक साथ बस्ट किया, किसकी आवाज सुनाई पड़ती है आपको? बड़े वाले की, बड़े की आवाज। तो छोटे वाले की आवाज क्या होती है सर?
बड़े की आवाज में खो जाती है ना, बड़े की आवाज जितने देर रहेगी उसके बीच में अगर छोटे की आवाज होगी तो छोटे की आवाज तो सुनाई नहीं पड़ेगी ना। यही चीज यही भी हो रही है, यहाँ दोनों चीजें हो रही है, फ्रेजनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रेलिस बैकस्कैटर भी हो रहा है। बट इस टाइम के दौरान चूंकि फ्रेजनल रिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है, देखिए इसकी एम्पलीट्यूड इतनी बड़ी है ना, इतने समय के लिए भी है और इसकी एम्पलीट्यूड भी बड़ी है, इस वजह से क्या है, जो छोटा बच्चा आता है, बड़ा कोई आ जाएगा तो बच्चे को तो ऐसे ही कोई ध्यान नहीं देता है। तो वही बात हुई ना यहाँ पर, फ्रेजनल रिफ्लेक्शन जब आ गया तो रेलिस बैकस्कैटर को कौन देखेगा? तो रेलिस बैकस्कैटर को जो है जिम्मेदारी क्या थी, ये स्ट्रेट लाइन जनरेट करने की, स्ट्रेट लाइन जनरेट करता, परंतु वो क्या है, फ्रेजनल रिफ्लेक्शन के घेरे में आकर के वो इतने समय तक फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम वो जो है अपने को दिखा नहीं पाता है। इस टाइम के बाद वो फिर अपनी अपनी जो है अस्तित्व को फिर प्रमाणित कर देता है। ही अगेन शोज हिज कैलिबर अगेन आफ्टर दिस टाइम। So this is what the it is. You should remember that OTDR's axis is calibrated in terms of distance, but really it is a function of time. Okay, sir. Okay. और कुछ चीजें हैं, Rayleigh's backscatter जो है इसकी amplitude बहुत छोटी होती है, आगे की ये जो energy जाती है उससे जो है वापस जो आती है ये 1000 times 30 dBm जो है 30 dB जो है वीक होती है। और इतना जान लीजिए कि जितना एनर्जी जितना फ्रेजनल रिफ्लेक्शन होता है वो ऑलमोस्ट 1000 times जो है इससे बड़ा होता है। तो फ्रेजनल रिफ्लेक्शन और हमारी जो जो ट्रांसमिटेड पावर है वो लगभग एक ही जोन में होती है, इसीलिए देखिएगा वो इसकी स्पाइक जो है इमीडिएटली ऊपर चली जाती है। OTDR का OTDR का ब्लॉक डायग्राम मैंने नहीं बनाया, OTDR का ब्लॉक डायग्राम पढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं है। OTDR मैं अगली बार मैं ख्याल करूंगा, आपने अच्छी बात याद दिलाई मुझको, OTDR का भी ब्लॉक डायग्राम होता है, ऐसी बात नहीं है, मैं इंक्लूड कर दूंगा, मुझे ख्याल नहीं रहा इस बात का। ऑप्टिकल फाइबर में टेस्टिंग के लिए कुछ कुछ चीजें हैं, वो है आपकी जो है पावर मीटर, आपकी यूज की होगी आपने पावर मीटर, पावर मीटर कुछ आपकी ऐसे दिखती है, छोटी सी एक मीटर होती है, तो पावर मीटर का रेंज जो है +10 dBm से -40 dBm के बीच में होता है। ये आप इसको जो है ऊपर एक कनेक्टर रहता है इसके ऊपर, इस कनेक्टर के ऊपर आप लगा दीजिए अपने FCPC को यहाँ पर ले आके लगा देंगे तो आपकी ये मीटर की रीडिंग आ जाती है। पावर मीटर हम सब ने इस्तेमाल किया हुआ है। अब आप पूछोगे सर हमारे पास OTDR है तो पावर मीटर की जरूरत क्या है? What is the difference between a OTDR and a power meter? Power meter की जो reading है वो real time reading है। OTDR की जो reading है वो जो है acquisition system से आ रही है, वो data store करके वो indirect reading है। Both are readings, both are power readings, इसमें कोई दो रही नहीं है, but real time reading जो होती है वो power meter से आती है। और OTDR में से जो भी आप पावर वगैरह मेजर करते हैं या मेजरमेंट्स लेते हैं वो क्या है एक्विजिशन सिस्टम से आने की वजह से वो रियल टाइम नहीं होती है। इसीलिए जब कभी आप कभी हायर अथॉरिटीज को अपने रीडिंग्स का डिस्क्रिप्शन दें तो पावर मीटर की रीडिंग दें। आपका एक्सेप्टेंस टेस्ट वगैरह में जब कभी आपको इस्तेमाल करना होगा तो आप पावर रीडिंग जो है पावर मीटर से जो रीडिंग है उसी को भेजा करिए। टेलीकॉम में पावर मीटर देखिए +3 to -5 हो गया, टेलीकॉम WDM में इतना हो गया, कोई बात नहीं है। CATV वाले +10 से -6 रखते हैं, ये अलग अलग रेंज है। तो हमारे पास मीटर में +3 to 45 होने से ही बहुत है, इतना रहता है हमारे पास। और वो दोनों दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए रहती है, दोनों विंडोज के लिए 1310 और 1550 दोनों के लिए। पावर मेजरमेंट कैसे किया जाता है, देखिए एक सोर्स चाहिए इसको जो है जनरली स्टैंडर्ड ऑप्टिकल लाइट सोर्स बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑप्टिकल लाइट सोर्स, OLTS स्टैंडर्ड ऑप्टिकल लाइट सोर्स, ये सोर्स है ठीक है। ये भी एक बैटरी ऑपरेटेड सेट रहता है और ये +7 dBm का टोन आपको अवेलेबल कराता है।
मतलब 7 dBm की टोन आउट करिए। मेजरमेंट करने के लिए एक लॉन्च केबल की जरूरत पड़ती है, यू टू हैव लॉन्च केबल। जनरली हम लोगों के पास रहता नहीं है, हम केबल को डायरेक्टली कनेक्ट करके ले लेते हैं, तो इसमें परफेक्ट रीडिंग नहीं आती है। लॉन्च केबल रहने से आपके पास जो है वो परफेक्ट रीडिंग आएगी। तो इट इज योर स्टैंडर्ड ऑप्टिकल लाइट सोर्स। ये एक सोर्स है जो +7 dBm का प्लस व्हाट यू से 1310 या 1550 के फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये आपको वेवलेंथ अवेलेबल करा देगा। ऑप्टिकल सोर्स से ऑप्टिकल वेवलेंथ अवेलेबल हो जाएगी, वो आपके केबल अंडर टेस्ट में पहुंचेगी, लैंड केबल के थ्रू पावर मीटर में आएगी, आप पावर मीटर में रीडिंग नोट कर सकते हैं। इंसर्शन लॉस और रिटर्न लॉस के बारे में बोला था। इंसर्शन लॉस मैंने बोला था कि -0 पार्डन सर, कितना डीबीएम निकल रहा है? पार्डन, कुछ आपको... बोल रहे हैं क्या? सोर्स, हाँ जी, सोर्स क्या बोले? सोर्स क्या आउटपुट दे रहा है? सोर्स आपकी जनरली +7 दी जाती है। सोर्स जो भी आउटपुट, सोर्स जो है +7 की आउटपुट जनरली रहती है। आप जितना भी सोर्स से आउटपुट लेंगे उसके बाद आप लॉस को करेक्ट कर लीजिए आपकी मेजरमेंट में। सपोज कीजिए +7 दे रहे हैं, आपने यहाँ +7 दिया, अब आपको केबल की लॉस वाला नहीं है, आपको यहाँ पर कितनी मिल रही है? +3 मिल रही है। तो आपकी केबल की लॉस कितनी हो जाएगी? +7 -3 = 4 dB हो जाएगी ना? ये तो सब छोटी छोटी बातें हैं भाई। इंसर्शन लॉस हर वक्त जो है मिनिमम रहना चाहिए, ये 0.12, 0.3, 0.4 या 0.2 तक जो भी रहे ये रहना चाहिए। ये कैरेक्टर का है इसका। और आपकी रिटर्न लॉस भी मैंने बोली थी, इंसर्शन लॉस के बाद रिटर्न लॉस, रिटर्न लॉस हर वक्त -45 से बेहतर होना चाहिए, -45, 50, 55 जो भी रहे उतना होना चाहिए। स्प्लाइसिंग के बारे में भी कल जरा मैंने जिक्र किया था, तो ये देखिए मैकेनिकल स्प्लाइस कुछ ऐसा होता है। मैकेनिकल स्प्लाइस में आप स्प्लाइस को जो है क्लीवर से जोड़ करके आप इसके भीतर डालेंगे, यू हैव टू पुट इट इन, और इसको इंसर्ट कर देने के बाद मैकेनिकल जो है स्प्लाइसर मशीन से इसको प्रेस कर दिया जाता है। जब ये प्रेस करते हैं तब क्या होता है कि ये पार्ट जो है आपकी, ये जो आपकी उभरी हुई है ना, दिस पार्ट इट इज एलिवेटेड ना, उठी हुई है, ये क्या है, ये बेंड हो जाएगी, भीतर चली जाएगी और इसके पैरेलल चली आएगी, इसके ये इसके बराबर आ जाएगी, और ये जो टेम्प्ररी कनेक्शन है अवेलेबल हो जाएगा। मैकेनिकल स्प्लाइस से टेम्प्ररी कनेक्शन दिया जाता है, और जब तक कि आपको आपका आदमी आकर के फर्दर उसको परमानेंटली स्प्लाइस नहीं करता, ये फ्यूजन नहीं है, इट इज ओनली मैकेनिकल। और इसको बोलते हैं सेंटरिंग स्लीव, जो स्लीव है ये जिसको आपने किया है इसको बोलते हैं सेंटरिंग स्लीव, CENTERING, सेंटरिंग स्लीव। जनरली ये जो है डायरेक्ट फ्यूजन स्प्लाइस नहीं होने की वजह से इसकी लॉस जरा ज्यादा होती है, 0.2 dB। फ्यूजन स्प्लाइसिंग में आपको क्या करनी पड़ती है, फाइबर को वैसे ही ले जाना पड़ता है, परंतु आपको यहाँ पर यू हैव टू परमानेंटली डू इट। देखिए मेरा फंस गया फिर, ओफ। तो स्प्लाइसिंग के लिए कल कोई पूछ रहा था, तो स्प्लाइसर मशीन जो है ये आपकी स्प्लाइसिंग मशीन है, दिस इज योर स्प्लाइसिंग मशीन।
ये फिजिकुरा का है या आपको मशीन दिख रही है यहाँ पर देखिए ये आपका दिस इज योर प्लेट वेयर यू वर्क ये फाइबर का ये पॉइंट है यहाँ पर आपको ये इसकी फ्लैप है कवर है इनको उठाना पड़ता है इफ यू उठाएंगे तो आपको ये फाइबर का स्लॉट दिखेगा यहाँ पर तो फाइबर को तैयार करके आपको यहाँ पर प्लेस करना होता है और दूसरे एंड से इधर को भी प्लाईवर को प्लेस करना होता है और ये इसके भीतर की जो मशीन है इसके जो स्टेपर मोटर है वो इसके अलाइनमेंट कर लेती है अलाइनमेंट करने के बाद जब ये माने विद इन द लिमिट्स आ जाता है स्प्लाइस करने के तब ये अलार्म देता है कि सर इट इज़ ऑल रेडी तब आप इसकी ढक्कन को बंद कर दीजिए वो हीटर ऑन हो जाता है हीटर ऑन होने के बाद वो परफेक्टली स्प्लाइस हो जाता है और स्प्लाइस होके उसको वो डिस्प्ले में भी दिखा देता है दिस इज द डिस्प्ले जस्ट सी ये डिस्प्ले पर भी उसको जो है वो फाइबर के स्प्लाइस होने का डिस्प्ले दिखा देगा एवं इसके साथ वो उसकी रीडिंग्स को भी बदला देगा कितनी ये स्प्लाइस पे कितनी लॉस आ रही है 0.25 आ रही है 0.1 आ रही है 0.1.3 आ रही है या 0.02 आ रही है इट विल गिव इट तो इट इज़ व्हाट यू से कॉस्टली मशीन है और जनरली ये बहुत इसकी स्किल की ज़रूरत पड़ती है हर एक आदमी इसको नहीं कर पाता है लिटिल ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड हम जैसे बुढ़े लोग तो नहीं कर पाते हैं इस पे काम बट यंग लड़के जरूर कर सकते हैं इसके ऊपर इट इज़ नथिंग स्पेशल ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इट इज अ सिंपल मशीन एंड एवरी वन पार्टी जो फाइबर को देखने वाली पार्टी है उसके पास तो ये रहना ही चाहिए इट इज़ अ एसेंशियल टूल OTDR स्लाइसिंग मशीन ये दोनों पावर मीटर स्टैंडर्ड ऑप्टिकल लाइट सोर्स ये चार चीज़ें तो हर एक पार्टी OFC की जो पार्टी है फेलियर पार्टी है उसके पास रहने चाहिए बट ये OFC की जो जॉइंट है स्प्लाइस है ये होमोजीनियस होती है दिस इज अ होमोजीनियस जॉइंट स्प्लाइस का जो फ्यूजन जो है ये कार्बन आर्क जो है आर्क क्लैंप होता है आर्क क्लैंप से जनरेट किया जाता है क्योंकि ये फाइबर इज वेरी स्मॉल 125 माइक्रोन का ही फाइबर है तो 125 माइक्रोन के फाइबर को टेम्परेचर जो है जितना हाई करना होता है वो इमीडिएटली कार्बन आर्क क्लैंप से कर दिया जाता है स्टेपर मोटर उसकी लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल जो है मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और इसके पास जो है एक सॉफ्टवेयर भी होता है जो पूरी इसकी रीडिंग्स को रिकॉर्ड कर लेता है तो दिस वॉज योर स्प्लाइसिंग मशीन ये जब आप लैब में आएंगे हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इसके बारे में सर इसका कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑलमोस्ट करीब 4 लाख 4 लाख के आसपास होता है जहां तक मुझे ज्ञान है आज से 8 साल 10 साल पहले लोग खरीद के रखते थे और इसको हर महीने में क्या हर दिन के भाड़े पर दे दिया करते थे दे यूज टू गिव ऑन डेली रेंट पे दे दिया करते थे एक्सक्यूज मी सर पार्डन हाँ बोलिए इंडियन कंपनी में प्रोड्यूस करता है सर ये नहीं 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 इंडियन कंपनी प्रोड्यूस नहीं करता है आपको OTDR वगैरह रेलवे के काम के लिए आपको फ्यूजिकुरा या फिर आपका क्या बोलते हैं हायर एंड की जो कंपनियां हैं उन्हीं से ही लेना चाहिए इंडियन कंपनी अभी बना नहीं पाती है ऐसे भी इंडियन कंपनियां बनाती भी हैं तो बाहर का ले आ करके लेबलिंग ही करती हैं लिटर्स वगैरह की बात कर चुका था कपलर भी मैंने बात किया आइस टाइम बतला चुका जो टेस्टिंग ऑफ फाइबर्स में देखिए एवरेज टाइम जो है लॉस टू बी 0.25 dB पर किलोमीटर एट 1550 ये याद रखिएगा इस फिगर को और 0.35 एट 1310 ये एक फिगर है जो आपको याद रखनी चाहिए ऑलवेज 1550 इज ए बेटर विंडो 1550 इज ए बेटर विंडो दिख रहा है ना आपको लॉस कितनी है यहाँ 0.35 है और यहाँ 0.25 है 0.1 का बेहतर ही है इसमें इट इज बेटर
फाइनली लेइंग में कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमको ध्यान देना पड़ता है. लेइंग ऑफ द ओएफसी केबल ये कल कर चुके थे. प्लेस द लूप चैम्बर एवरी 1 किलोमीटर. लूप चैम्बर आपको जो है करना होता है वो एवरी 1 किलोमीटर पे करना होता है. लूप चैम्बर आप एवरी 1 किलोमीटर पे करेंगे. रेलवे में 13-10 यूज करते हैं ना सर. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. हाँ लेइंग ऑफ द ओएफसी थ्रू थ्रू ब्रिजेस. देखिए ये ब्रिज के ऊपर से लेके जाने का लिए क्या प्रावधान है. रेलवे ने क्या लिखा है. The optical fiber cable is required to be laid through a HDPE pipe. High density polyethylene pipe से लेके जाना है in GI pipes over steel. In GI pipe, HDPE pipe को भी रखिए, GI pipe भी रखिए, over steel girder bridges. That means it is double protection. The GI pipe should be fitted on the girder bridges with a suitable clamp and U-bolts. Without drilling the holes in the girder. Girder में hole नहीं कर सकते. U-bolt से जो है आपको उसको clamp करना पड़ेगा. Whenever there is water flow, water when, हाँ बोलिए. सर थोड़ा loop chamber में केवल तार रख देंगे, but joint में होगा केवल थोड़ा तार रख देंगे. Loop chamber में आप जो है कितना रखेंगे? 15 से 20 मीटर रखना चाहिए ना, बस और क्या. 3 किलोमीटर का जाम हाथ में रखिए कि कभी अगर आपकी केबल कट जाए तो आपकी एच डी पाइप से आप उसको खींचेंगे तो आपके पास 1-2 मीटर 3 मीटर आ जाएगा ना. दैट इज व्हाट द पर्पस. ए बंद करिए इसको. कमल कुमार वेन एवर वाटर फ्लो इज लेस द केबल शैल बी लेड अंडर द बेड ऑफ द ड्राई कलवर्ट एट द डेप्थ ऑफ 1.2. अगर उस कलवर्ट में ब्रिज के भीतर अगर जो है पानी वगैरह नहीं रहता है तो उसको उस नदी को नहर को खोद करके 1.2 मीटर की डेप्थ पे जाना पड़ेगा और थ्रू आरसीसी और डबल वॉल कॉरोगेटेड डीडब्ल्यूसी पाइप्स. आरसीसी पाइप डाल करके उसमें से फिर आपको पाइप को आपको एचडी पाइप को लेके जाना पड़ेगा. दिस आर ऑल द फॉर्मेलिटीज दैट यू हैव टू डू व्हाइल क्रॉसिंग ब्रिजेस. इन केस ऑफ वेट कलवर्ट्स अगर वो सूखा भीगा हुआ है पानी उसमें है तब क्या करेंगे. इन केस ऑफ वेट कलवर्ट्स और अनफ्रेंडली टेरेन्स वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू ले द केबल अंडर द बेड ऑफ द कलवर्ट द केबल मे बी लेड ओवर द कलवर्ट इन जीआई पाइप. इन दैट केस आप ऊपर से लेकर के जाइए परंतु जीआई पाइप से लेकर के जाइए. देखिए ये अगर मेरा नदी का नहर का है अगर आप मैं अगर भीतर जा सकता तो चला गया. अगर नहीं जा सकता हूं तो मुझे क्या करना होगा ऊपर से ही जो है इसको लेकर के जाना पड़ेगा. बट प्रोवाइडेड मुझे क्या करनी पड़ेगी जीआई पाइप से मुझको लेके जाना पड़ेगा क्योंकि पानी फ्लो करेगा तो मैं जाके डिग तो नहीं कर सकता ना. तो दीज आर द फ्यू फॉर्मेलिटीज दैट वी नीड टू सी व्हाइल डूइंग द सॉरी केबलिंग वर्क. रोड क्रॉसिंग और ट्रैक क्रॉसिंग के साथ क्या होनी चाहिए देखिए. व्हाइल रोड क्रॉसिंग और ट्रैक क्रॉसिंग द विड्थ ऑफ द ट्रेंच should be 300 millimeter. ये तो 300 millimeter था ही. And the depth should be 1.6. All other places में आपकी जो depth होती है वो कितनी होती है 1.2 meters होती है. But यहाँ पर आपने क्या रखा है सर 1.6 रखा है. The trench should be done using horizontal boring. Horizontal boring भी एक method है. आपको road काटने को तो हर कोई देगा नहीं तो आपको क्या horizontal boring करके फिर आपको pipe से उसको निकालना पड़ेगा. Especially during track crossing, the cable should be drawn through GI pipes. Track crossing जब करेंगे तब GI pipe से उसको निकाल के ले जाइए. और during road crossing, the cable can be drawn through RCC pipes. Excuse me, sir. ये जो horizontal boring है ये क्या ये micro tunneling या बोलते हैं वही है? Yeah. Horizontal boring वही है. वो एक compressor machine ले आके रखता है. वो drill type की रहती है. वो इधर एक एंड से दूसरे एंड तक वो जो है बोर करके निकाल देता है. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शहरों में तो वायरिंग वगैरह सॉरी केबलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना. एसडीडी बोलते हैं सर. क्या बोलते हैं उसको? एसडीडी. ओके फुल फॉर्म क्या होगा? ओके मैं देख लूंगा. थैंक यू. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग. ओह हॉरिजॉन्टल एचडीडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग. ओके थैंक यू. Very nice.
और कहीं फीड पॉइंट, ये जो आरसी रिमोट कंट्रोल्स के होते हैं जहां पर जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस जहां रहते हैं वहां पर भी डालनी पड़ती है. वहां के लिए क्या है, व्हाइल लेइंग नियर द फीडिंग पोस्ट एज फार एज पॉसिबल द केबल शैल बी लेड ऑन द साइड ऑफ द ट्रैक ऑपोजिट टू द फीडिंग पॉइंट. Cable shall be laid on the side of the track opposite to the feeding point. Opposite to the feeding point तक लेके जाना है. Further, the optical fiber cable shall be at least 1 meter away from any metallic part of the OHE. OHE की जो metallic part है वो most of the places वो जो है metallic जो है जितना रहता है वो सब grounded रहता है. और ये बोलता है कि 1 meter दूर रखिए. Then ये बोलता है कि the cable shall be laid in RCC and DWC pipes. For a length of 300 meters on either side of the feeding post. और RCC pipe से जो है आपके 300 meters आगे और 300 meters पीछे, that means 600 meters की जो area है जहाँ feed point है, feed post है, वहाँ पर आपको RCC से wire कराना पड़ेगा, RCC से cable लेके जानी पड़ेगी. कितना protection होता है देखिए. Spare OFC for the protection of loop chamber. Every 1 kilometer, the loop chamber should be made. Every 1 kilometer, one loop chamber to be provided with a spare cable of 10 meters. 10 meter to minimum rakhiye. Aise bhi 3-4 coil bana karke rakh dene se 10-12 meter ho jata hai. LC gate ke paas bhi one chamber will be provided at all LC gates at least 10 meters away from the center point of the road. A coil of 15 meters will be kept as a spare. LC gate par bhi 15 meters spare rakhne ko bolta hai. To jab aap kabhi ye sab kaam karwaye to kam se kam ek baar jo hai schedule ko zara dekh le aur telecom manual ke hisab se hi isko refer kare. Whenever you do the work, you have it written in your diary what all things are to be done, what all dimensions have to be maintained, and then go for the work. If you are not prepared, agar aap pehle se nahi prepare karke rakhenge, so contractor may do on his will and then later we have to face the ill consequences. Spare of cable जो है देखिए all prefab OFC rooms के पास भी बोलता है 15 meter cable जो है जरूर रखिए. Road track crossing के आसपास भी 15 meter, जहाँ भी आपको मिले 15 meter spare जरूर बना के रखिए. Okay, अभी 10-15 minute बचते हैं, कोई confusion वगैरह हो तो जरा पूछें सर. हम एक छोटा सा क्विज करेंगे. हेलो, हाँ बोलिए सर. एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो हम लोग का रहता है कि हम लोग पहले डक्ट ले कर दिए, हाँ, उसके बाद हम लोग केबल को ग्लो करेंगे ना पुल करेंगे. पहले देखिए आप, पहले क्योंकि फील्ड में ये होता है. देखिए आप इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए. आप अपने कागज की पेंसिल से कागज के ऊपर ड्रॉ करिए, उसमें पहले ट्रेंच बनाइए. ट्रेंच बनाने के बाद आप बीच की एक जगह पर आइए और आपकी डक्ट को जो है दोनों तरफ खुलवा के डालिए. दोनों तरफ खुलवा दीजिए, दोनों तरफ डक्ट पहुंच जाए. दोनों तरफ आपका डक्ट कितना है, डक्ट का कितना था, 1 किलोमीटर था ना डक्ट का जो ड्रम है वो कितना आता है, 1 किलोमीटर का आता है, आई थिंक 1.5 किलोमीटर. तो आप दोनों को उसको दोनों तरफ ले करा दीजिए. ले कराने के बाद उसको बैकफिल करा दीजिए. आपकी केबल चली गई ना, अब उसके ऊपर आप ब्लोइंग के टेस्ट करवा लीजिए. ब्लो टेस्ट करने के बाद जो है आपको हो जाए तब उसके एंड्स को बंद करके रख दीजिए. उसके बाद फिर आप जो है केबल ब्लो करा दीजिए. बस में कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है. आपने कभी केबल इन लॉट ऑफ केस एक्चुअली कॉन्ट्रेक्टर डू नॉट वॉन्ट टू
bring the blower, actually blower machine is a different machine. This is what, this is what in some remote area also they do not want to bring it. So ultimately पुलिंग वॉज द सिस्टम वेन वी यूज करली विदाउट डक्ट होता था. अब जो है डक्ट के भीतर अब ब्लोइंग ही होता है. वेन यू वॉन्ट टू थ्रो इट आपको ब्लोअर ब्लो 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 मशीन से ही भेलना चाहिए. एक मिनट फोन है जरा. अगर 1 किलोमीटर सेक्शन में अगर 3-4 गेट आ जाते हैं. देखिए इट इज अ वेरी नेचुरल क्वेश्चन. यू आर अ सफरर. आप जो बोलते हैं देखिए कॉन्ट्रैक्टर ब्लोअर मशीन लाना नहीं ब्लोइंग के लिए लाना नहीं चाहता. वो पुलिंग से ही काम कराना चाहता है. दीज आर ऑल द शॉर्टकट्स विद द कॉन्ट्रैक्टर वांट्स टू डू. तो आप जब तक इन चीजों को जानेंगे नहीं इन डेप्थ वी कैन रियली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू वर्क. Okay, now we will come down to the. I think I am left with only 15 minutes. So, मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ. देखिए फिर मशीन फंस गई. मेरी ये कौन सी स्लाइड है फंस जाती है. सर एक्सक्यूज मी. हाँ जी बोलिए. सर ये जो डेट जोन आपने बताया. हाँ जी. डेट जोन क्या माने केबल का लेंथ के ऊपर माने कुछ वेरी करता है. नहीं, देखिए इट इज टोटली द प्रॉपर्टी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ओटीडीआर इज योर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. इट इज द हैंडीकैप ऑफ द मशीन. ये विकलांग बन जाता है. मैं ब्लाइंड लिखने का मतलब है ब्लाइंड ही तो विकलांग होता है ना. ब्लाइंडनेस कब आएगा मशीन का जब उसकी वो टाइमिंग्स जो है वो ब्लॉक हो जाएगी फ्रेसनल रिफ्लेक्शन की वजह से. ये जो आपका डेड जोन डिपेंड करता है जो है आपका आपका जो पल्स विड्थ है ना जो आप ओटीडीआर में जब आप पल्स को देंगे वो पल्स विड्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है. आप बड़ी जो पल्स विड्थ देंगे तो क्या है डेड जोन बड़ा होगा. पल्स विड्थ को छोटी कर देंगे तो पल्स विड्थ छोटी हो जाएगी. इसीलिए ओटीडीआर को ऑपरेट करते वक्त हर वक्त बोला जाता है कि आप जो है बड़े पल्स विड्थ से शुरू कीजिए बट फाइनल जब रीडिंग लीजिए उसको लोअर जो पल्स विड्थ है उसकी छोटी पल्स विड्थ पर आइए. तो छोटी पल्स विड्थ पे होने पर डेड जोन छोटा होता है. डेड जोन कभी केबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता. डेड जोन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मशीन ऑफ द ओटीडीआर की प्रॉपर्टी. इट इज द हैंडीकैप ऑफ द ओटीडीआर. इसको कम किया जा सकता है. पल्स विड्थ को कम कर देंगे तो आपका डेड जोन कम हो जाएगा. सर हाँ जी बोलिए बोलिए. अच्छा अच्छा ओहो रुको 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 वेट ऑन वेट आई विल कम इट. ओके 5 मिनट्स वी विल स्पेंड ऑन दिस DWDM. Wavelength division multiplexing. Okay. Up till now, what we were doing is we were putting only one source. एक ही source को हम दे करके लेके जाते थे. अब क्या कर रहे हैं अभी अब तक हम क्या करते थे एक ही source से लेकर के आते थे. एक ही wavelength को लेकर के आते थे fiber के भीतर डालते थे. अब ये क्या बोल रहा है कि साहब I am planning to put several wavelengths. देखिए ये yellow color में है ये brown color में है ये green color में है और ये blue color में. That means they are coming from different sources. ये different sources से आ रहे हैं. एक को तो आप couple कर देंगे numerical aperture के साथ couple कर देंगे. मैंने बोला था ना numerical aperture is a funnel. ये funnel के साथ couple कर देंगे आप couple हो जाएगा. और ये couple होने के बाद ये जो system है ये जो चार wavelength हैं इनको यहाँ पर multiplex करना पड़ेगा. ये multiplex ना करके इनको couple बोला जाता है. ये couple हो रहे हैं. ये all these are getting coupled and then going into the fiber. ये सब एक साथ ही जा रहे हैं बट दे गो ऑन देयर इंडिविजुअल. दे आर गोइंग ऑन द इंडिविजुअल. हर एक जो है अपनी एंटिटी के साथ जा रहा है. जब ये दूसरे एंड पे पहुंचता है ये जो डी मल्टीप्लेक्सर है ये ग्रेटिंग की रहती है. ये जो मिरर है आपका ये अलग अलग रेज को जो है ये डिफ्लेक्ट कर देता है. अलग रिफ्लेक्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है. तो आपकी क्या हुई एक ही फाइबर के ऊपर
आप अभी तक क्या कर रहे थे, एक सोर्स से लाइट लेकर के आप अपनी कम्युनिकेशन चला रहे थे, अब आपने क्या किया, डिफरेंट सोर्सेज को मिक्स करके मल्टीप्लेक्स कर दिया, कपल कर दिया, कपल करके लेके गए ऑपोजिट एंड में डी मल्टीप्लेक्सर ने उनको सब डी कपल कर दिया। तो दिस इज वॉट डेंस वेव वेवलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग इज। इनको जरा पढ़ लीजिए, DWM works on the principle of a prism, just like we separate the white light from the sun coming out from the sun in the spectrum of the colors with the prism. Seven colors mein toot jata hai na prism se nikalne ke baad. The input of the WDM system is really a quite simple. It is a simple coupler that combines the multiplexes all the signal inputs to one fiber output. The demultiplexer separates the light at the end of the fiber. It shines the light of grating. मैंने बोला था ना, grating एक phenomena होते हैं. It shines the light on a grating. एक grating होती है. Grating के ऊपर light होने से जो है वो particular वो frequency जो है या wavelength जो है वो उसमें से filter out हो जाता है. Which separates the light into the different wavelengths by sending them off at different angles. Optics capture these wavelengths and focuses them into another fiber, creating a separate output for each wavelength of light. करेंट सिस्टम ऑफर्स 4 to 32 चैलेंज। आजकल जो है 32, चार, पहले तो मैंने अभी चार दिखाया है ना, यू कैन मल्टीप्लेक्स एज मेनी एज 32 चैनल्स, एक ही फाइबर के ऊपर 32 चैनल्स को भी आप जो है मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। द हायर नंबर ऑफ द वेवलेंथ दैट आर लेड डाउन दे आर नेम्ड, अगर चार से ज्यादा करना शुरू कर देंगे, आठ और इससे ज्यादा करेंगे, तब उसी को क्या बोलेंगे, डेंस वेवलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्स। डेंस माने घनत्व, घना, इट इज मोर डेंस, दैट इज डेंस वेवलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग। This is the simple phenomena. ये देखिए आपकी ट्रांसमीटर हो गई, ये आपने वन और टू ही लिया है, दो ही लिया है, आप ले जा करके क्या किया, कपलर के ऊपर दे दिया, फिर ये आपस में निकल गया, फिर डी कपल हो गया, डीप कपल होकर के ये दोनों साइड में चला गया। एक मिनट, आ जाऊंगा, क्लास होने के बाद आऊंगा, 10 बजे तक क्लास है। अगर आप सिस्टम के ऊपर देखना चाहेंगे, जस्ट सी द सेम सिस्टम, डिफरेंट वेवलेंथ आपको दिख रहे हैं, ये प्रति चैनल के हिसाब से आ रहा है, 4 चैनल DWM मल्टीप्लेक्सर, फिर आपको कंप्लीट करके भेज दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप एम्पलीफायर लगाएंगे, इफ इट इज अ लॉन्गर डिस्टेंस, बहुत लंबी डिस्टेंस है, कल मैंने बोला था ना, आप क्या करेंगे, ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगाएंगे। व्हाट इज दिस EDFA? EDFA इज एन ऑप्टिकल एम्पलीफायर, OA जिसे बोलते हैं, ऑप्टिकल एम्पलीफायर। ये लगभग ऑप्टिकल एम्पलीफायर का रेंज भी शायद मैंने कल बोला था, ऑप्टिकल एम्पलीफायर कैन बी यूज दैट एवरी 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर की रेंज में यूज होते हैं, तो यू कैन कैरी इट अप टू 120 किलोमीटर। वहाँ जाने के बाद 4 चैनल DWDM को डीमक्स कर दीजिए, डीमक्स करके आप अपने चैनल्स को फिर निकाल लीजिए। तो इसके लिए STM की तरह के ही इक्विपमेंट आते हैं, DWDM इक्विपमेंट STM के ऊपर के ही लग जाते हैं, एंड यू कैन सेंड इट। जब कभी अगर आप यहाँ पर रेलवे हमारे पास ट्रेनिंग में आएंगे, इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू शो यू रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तब हम आपको ले जाकर दिखाएंगे वहां पर। ओके सर, आप लोग जरा कागज कलम अपनी निकाल लीजिए, टेक आउट योर पेन एंड पेपर्स, एक तरफ 1 to 25, 1 to 12 और दूसरी तरफ 13 to 25 नंबर्स लिख ले रख दीजिए। और कागज निकल गया हो तो बोलिए, वी आर लेफ्ट इज ओनली 5 to 7 मिनट्स। ओके सर, कागज निकल गया? यस सर। और एक आध दिन और एक दिन दिया, बिल्कुल निकल गया सर।
ओके सर, ओके फटाफट सर, ओके फटाफट पढ़िएगा। जैसे ही हो जाए बोलिएगा, चार पांच लोग भी हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। किसी का हो जाए तो जरा बोलते रहिएगा। ओके, अरविंद कुमार ने कर लिया। बढ़ूं आगे? सर ओके फाइन, बढ़ रहा हूँ भाई। एक मिनट सर, मिनट सर। ओके 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 एक मिनट। ओके मैं चला आगे। ओके सर, हुआ? ओके सर, हुआ?
अभी कहाँ हुआ? चलिए चलिए करिए करिए चलिए करिए करिए मोबाइल जिनका हो जाए जरा बोलते हो जाए जरा बोलते रहिए। ओके द्विवेदी ओके द्विवेदी अरविंद रोशन लाल ओके रोशन लाल ओके तो बड़ू में आंसर किधर बड़ू में आंसर किधर मीना ओके मीना ओके विश्वास वेरी ओके फाइन उमेश ओके राकेश ओके ओके मैं चल रहा हूं बस लॉट ऑफ पीपल हैव डन इट अब आप डांसर्स को मैच कर रही है सर हाँ जी बोलिए हेलो सर हाँ जी बोलिए सर हाँ सर एक से बारह वाला थोड़ा एक बार और क्वेश्चन दिखाइए अब तो आंसर दे दिया आपने और क्या चाहिए हाँ दे लीजिए एक से बारह हो गया एक मिनट सर आप तो चोरी कर लिया भाई हो गया सर अच्छा हमारा आउट ऑफ 25 किसको मिला सेकेंड वाला 8 to 10 और कोर का डायमीटर 8 to 10 माइक्रोन होता है ना नहीं सर 35 हाँ सेकेंड में आप अच्छा सेकेंड में आप अच्छा ये देखिए ओके रंजन हैज गॉट मीना हैज गॉट 14 फाइन राजीव द्विवेदी हैज गॉट 16 एंड राकेश विश्वास मृत्युंजय कुमार 18 चौरसिया हैज गॉट 15 प्रवीण कुमार हैज गॉट 14 आंसर दिखा दीजिए सर आंसर दिखा दीजिए सर हां ये लीजिए ट्रेनीज अपना माइक्रोफोन बंद कर दिया ठीक है कुछ मेहनत हो गया कुछ दिमाग हो गया कुछ दिमाग पे जोर पड़ा है
आप में से कोई एक मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको ये पावर पॉइंट दे दूंगा अलोंग विद क्वेश्चन एंड आंसर। इट इज भास्कर बलबीर सिंह 14, मनोज कुमार 17, ओके फाइन, इट वाज अ गुड एफर्ट। तो मैं क्या बंद कर सकता हूँ? जी सर। ओके थैंक यू, इट वाज अ गुड सेशन। मैंने आपका 5 घंटा जो है आपका खपत किया। मैं बहुत दिनों बाद हो सकता है मुझसे कुछ कमी रह गई हो। गुड सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। छोड़ रहा हूँ, ये दूसरा क्लास है। ओके ओके पीपीटी दे दीजिएगा। हाँ, मेरे ईमेल में आप जरा सा आज कर दीजिएगा, शाम को मैं भेज दूंगा। मेरे ईमेल में आप जरा सा अपना जो है मेरा ईमेल नंबर नोट कर लिया है ना, मैं भेज दूंगा आपको। नहीं उसमें ये क्वेश्चन आंसर नहीं है ना, क्वेश्चन आंसर नहीं है ना, क्वेश्चन आंसर। ओके सर, ओके। एक में आप में से कोई एक जन भी करेगा तो आप लोग शेयर कर लेंगे। ओके थैंक यू भाई। नहीं वो पीपीटी में ये क्वेश्चन आंसर नहीं है।